हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी ग्रीन लाइफ आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में शेयर करूंगी जो इंडोर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसका नाम है सिक्लेमेंट्स ये बेसिकली बाउंटेन एरिया के प्लांट्स होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं आप एक बार लाओगे तो इसके जो केयर है आप फॉलो करोगे तो ये नेक्स्ट फिर विंटर में भी ये आपके साथ बने रहेगा और आप, आपको फ्लावरिंग का जो सुंदर सा ये फ्लावर होते हैं ये नेक्स्ट विंटर में भी आपको ये मिलेगा तो आज में इसके जो केयर टिप्स होते हैं विंटर में और आप समर में कैसे इसको केयर कर करोगे जिससे इसका बल्ब रहेगा और इसके बल्ब से नेक्स्ट विंटर में इसका प्लांट फिर से बढ़ेगा तो तक बने रहिए तो पहले बोलती हूँ सनलाइट के बारे में सिक्लेमेन ऐसे एक प्लांट होते हैं जिसको आप ज़्यादा सनलाइट दोगे तो ये खराब हो जाएगा क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स होते हैं इसलिए इसका सनलाइट आपको बहुत ही ध्यान देना होगा आप सुबह की सिर्फ दस या पंद्रह मिनट ज़्यादातर हाफ हाफ़ एन आवर इसमें थोड़ी सी छनी हुई जो धूप होते हैं वो वाली धूप आप लगा देना आप पूरे दिन के जो ब्राइट सनलाइट होते हैं उसमें इसको नहीं रखना क्योंकि उसमें रखने से क्या होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं इसके फ्लावर इसके लीव्स बहुत ही वीक हो जाते हैं और प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं आप इस बात का ध्यान रखना इसमें ज़्यादा सनलाइट ना पड़े आप सिर्फ सुबह की सनलाइट लगा देना वही काफ़ी है आप इंडोर में रखोगे तो आप ब्राइट एरिया में इसको प्लेस करना लेकिन डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं इस बात का आप ध्यान रखना डायरेक्ट सनलाइट में रखने से प्लांट खराब हो जाएगा तो अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में विंटर में जब भी आप इसमें वाटरिंग करोगे आप जो इसके सॉयल है उसको चेक करके फिर इसमें वाटरिंग करना ये सिक्लीमेंट प्लांट्स मोइस्ट सोयल बहुत ही पसंद करते हैं इसमें इसको ड्राई सोयल में रखोगे तो क्या होते हैं इसके लीव्स जो है ना ये येलो हो जाते हैं और ये फ्लावर लेकी होके गिर जाते हैं तो आप जब भी वाटरिंग करोगे ज़्यादा ड्राई नहीं करना और सोगी व सोगी जो सोयल होते हैं उसमें भी नहीं रखना सोगी सोयल में रखने से इसके बल्ब खराब हो जाते प्लांट्स ख़राब हो जाते इसलिए वाटरिंग का ध्यान आप रखना विंटर में और समर टाइम इसका डोरमेंसी पीरियड होते हैं उस टाइम में सिर्फ आप इसको स्प्रे करना मिट्टी को ये प्लांट नहीं रहेगा धीरे धीरे ये जो लीव्स होते हैं ये झट जाएगा स्प्रिंग से शुरू हो जाते हैं इसके डोरमेंसी पीरियड इसलिए जब भी इसके लीव्स येलो हो जाएंगे और फ्लावर खराब हो जाएगा उस टाइम में आप काट करके इसको एक डार्क प्लेस में आप इसको रखना और आप इसको ज़्यादा पानी नहीं देना ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना उस टाइम में उस टाइम में सिर्फ आप थोड़ी से पंद्रह या बीस दिन में आप एक बार ऊपर से स्प्रे कर देना उतना ही काफ़ी है आप देखोगे जब इसका ऑटम पीरियड ऑटम जो सीजन होते हैं उस टाइम में फिर से ये ये जो छोटे छोटे से होते हैं ना लीव ये उगना शुरू हो जाएगा और विंटर आते आते इसके फिर से ब्लूमिंग शुरू हो जाएगा तो आप वाटरिंग का ध्यान रखना विंटर और समर में और जब भी आप वाटरिंग करोगे इसके लीप के ऊपर और इसके फ्लावर्स के ऊपर आप पानी मत देना क्योंकि लीव्स और फ्लावर में पानी देने से इसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं इसलिए जब भी आप वाटरिंग करोगे से धीरे धीरे से आप वाटरिंग करना और वाटरिंग के बाद आप देखना इसके नीचे से वाटर ड्रेन हो जाए इस बात का आप ध्यान रखना अब बोलती हूँ फर्टिलाइजर के बाद ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स है लेकिन ये ओवर फर्टिलाइजर पसंद नहीं करते ओवर फर्टिलाइज़र से ये प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं इसलिए जब भी आप इसमें फर्टिलाइज़र करोगे सिर्फ आप जब सॉइल मिक्स के बात करूंगी मैं बाद में उस टाइम में जो फर्टिलाइज़र आप दोगे सिक्स मंथ तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है बट आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं उसको थोड़ी से पानी के साथ डाइल्यूट करके महीने में हल्का हल्का से साइड से आप दे देना उतना ही काफ़ी है पर डोरमेंसी पीरियड में जब ये प्लांट्स आ जाते हैं उस टाइम में तो आप बिल्कुल ही इसमें वाटरिंग मत सॉरी फर्टिलाइजर मत देना क्योंकि फर्टिलाइजर देने से इसका बल्ब खराब हो जाते हैं फिर से ये प्लांट स्टेबल नहीं होते तो फर्टिलाइजर का ध्यान आप रखना अब बोलती हूँ इसके पोटिंग मिक्स के बारे में सोयल मिक्स में आप जब भी इस, इसका सोयल मिक्स बनाओगे उस उस एक बात का आप ध्यान रखना ये मोइस्ट वाली सोयल और ड्रेनेज वाली सोयल हो ऐसी ही सोयल मिक्स इसमें बनाना मोयस्ट सोयल के लिए आप कोकोपीट इसमें देना और इसके लिए और बाकी जो है वो गार्डन सोयल रिवर्सन थोड़ी सी परलाइट और थोड़ी सी ज़्यादा इसमें भार में कॉम्पोस्ट देना क्योंकि जब भी आप इसके सोयल मिक्स में ये फर्टिलाइजर में कॉम्पोस्ट डालोगे नेक्स्ट जो फोर टू फाइव मंथ है उसके उस टाइम में आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसकी ज़रूरत नहीं दे बीच में थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें दे देना इतना ही काफ़ी है तो सॉयल मिक्स में आप इस सॉयल मिक्स आप ऐसे ही बनाना और ड्रेनेज वाली जो सॉयल है वो वाली सॉयल आप इसमें बनाना अब बोलती हो पॉट सिलेक्शन के बारे में ये सिक्लिम प्लांट्स के लिए आप बड़े बड़े जो पॉट होते हैं वो पॉट आप सिलेक्शन नहीं करना क्योंकि बड़े पॉट में सिगनेमेंट प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं कारण है इसके जो वाटरिंग वो जब बड़े गमले आप सिलेक्ट करोगे क्या होते हैं जब आप वाटरिंग करोगे नीचे तक ये बहुत दिन तक ये वेट रहेगा ड्राई नहीं होगा तो इससे क्या होते हैं इसके जो बल्ब होते हैं नीचे वो ख़राब हो जाते हैं इसलिए अब छोटे आपके जो प्लांट्स होते हैं इसके साइज़ के हिसाब से ही आप और सिलेक्शन करना तो अब बोलती हूँ इसके जो ग्रूमिंग के बारे में देखिए एक चीज़ दिखाती हो सिक्लेमर्स प्लांट के ये लीव्स जो होते हैं ना बहुत ही सुंदर होते हैं आप इसको हफ्ते में एक बार वॉश कर देना ये थोड़ी सी गिली गिली जो क्लॉथ होते हैं उससे नहीं तो थोड़ी थोड़ी से हल्के से इसमें पानी देके इसको वॉश कर देना और नीचे से जो ड्राई जो लीव्स होते हैं उसको आप कट कर देना और जब फ्लावर फ्लावरिंग जो एक बट ख़राब हो जाते हैं इसके बाद आप इसके जो ब्रांचेस होते हैं इसको काट कर देना इससे ही प्लांट बहुत खुश होते हैं और आप जब भी काट करोगे क्योंकि बीच आप जब भी काट करोगे इसके नीचे नीचे तक ये जो ब्रांचेस होते हैं, इसको आप अच्छे से काट करके फेंक देना इतना ही है इसके ग्रूमिंग अब बोलती हो इसके इंसेक्ट्स वगैरह के अटैक के बारे में सिक्लिमन प्लांट्स में जो इंसेक्ट्स वगैरह के अटैक बहुत ही कम होते हैं इसके लिए आप थोड़ी सी फंगीसाइड का यूज़ करना आप जब भी फोस्ट वगैरह जब गिरते हैं ज़्यादा उस टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाते हैं उस टाइम में मिली वर्क का अटैक थोड़ी सी दिखाई देते हैं तो साइड में से आप फंगिसाइड डाल देना सोयल जो होते हैं उसमें कोई फंगस इन्फेक्शन ना हो और ऊपर से थोड़ी सी हल्के हल्के से, से नीम ऑयल का आप इसमें स्प्रे कर देना इतना ही काफ़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिक्यूमेंट प्लांट्स की क्योंकि ये रहते ही हैं बहुत कम टाइम के लिए ऑटम में इसका शुरू हो जाते हैं ग्रोइंग और विंटर में आपको ये फ्लावरिंग कर देगा आपका फ्लावरिंग जो होते हैं बहुत अच्छे से इसका होगा और जब स्प्रिंग शुरू हो जाएगा उस टाइम में ये में धीरे धीरे चले जाएगा तो आपके आपके साथ इसका टाइम बहुत ही कम है बट रहेगा तो बहुत सारी फ्लावर आप इसको आपको ये देगा अब बोलते हो इसके प्रोपोगेशन के बारे में प्लांट्स के एक बार आप एक प्लांट लाओगे तो इसको इसके जो बल्ब होते हैं इसको जब आप आराम से सेव करके रखोगे समर के टाइम देखना आपको फिर से विंटर में ये न्यू प्लांट आपको मिल जाएगा और इसके शीर्ष भी होते हैं मैं दिखाती हूँ देखिए ये जो कलंजी होते हैं ये जो बीच में है ना इसकी इस ये प्लांट ये फ्लावर जब ये सूख जाएगा उस टाइम में आप इसको थोड़ी सी जो सनलाइट में सनलाइट है उसमें इस शीर्ष को रख के अब देखना इसके जो अंदर है ये कलौंजी की तरह छोटे छोटे से शीर्ष होते हैं उस शीर्ष को आप जब अटम सीजन शुरू हो जाएगा सितंबर मंथ में उस टाइम में इसको आप प्लेस कर देना पॉट में देखना जब विंटर आएगा छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं ये रेडी हो जाएगा विंटर में फ्लावरिंग करने के लिए तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो शीर्ष से अब बोलती हूँ रिपोर्टिंग के बारे में आप सिक्लीमेंट प्लांट्स को जब भी विंटर में लाओगे एक बात का आप ध्यान रखना विंटर में इसको रिपोर्टिंग मत करना रिपोर्टिंग करने से बल्ब डिस्टर्ब हो जाते हैं प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं जो सिक्लीमेंट प्लांट्स होते हैं इसके रिपोर्टिंग का जो परफेक्ट टाइम होते हैं वो ऑटम होते हैं जब डोरमेंसी पीरियड जब ख़त्म होने होके फिर जो ब्लूमिंग के टाइम आने वाले होते हैं उस टाइम से पहले आप इसको रिपोर्टिंग कर देना लेकिन जब भी आप इसको लाओगे विंटर में इसको रिपोर्टिंग मत करना अब बोलती हूँ डोरमेंसी पीरियड में इसका केयर ये जब स्प्रिंग शुरू हो जाते हैं उस टाइम में ही ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं डोरमेंसी पीरियड में जब ये प्लांट रहेगा उस टाइम में इसको रेस्ट में ही रहने दीजिए आप इसको मत छेड़िए क्योंकि उस टाइम में ये डोरमेंसी पीरियड में जब आराम से रहेगा तो ऑटम सीजन जब शुरू होने होगा तब उस टाइम में ये डोरमेंसी पीरियड को ख़त्म करके फिर आपके साथ ये सुंदर सा प्लान रेडी हो जाएगा विंटर में ब्लूमिंग के लिए तो डोरमेंसी पीरियड में इसको मत छेड़िए बस इसको रेस्ट करने दीजिए बट जब भी इसको डोरमेंसी पीरियड में आप प्लेस करोगे ड्राई एरिया में प्लेस करना और देखना इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले एक डार्क ड्राई एरिया में इसको प्लेस करना और रेनी सीजन में इसको जो बारिश की पानी होते हैं उससे बचा के रखना बस इतना ही काफ़ी है डॉमेंसी पीरियड का केयर तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर है इंडोर वाले जो फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही कम होते हैं ये बहुत सुंदर होते हैं ये बहुत सारे कलर में आते हैं पिंक वाइट रेड बेरिकेटेड भी होते हैं तो आप इसको ऐसे ही केयर करना और आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू बाय टेक केयर हैप्पी गार्डनिंग